आज हम चारमीनार हलके में एग्जिट पोल आंकड़े देखने के लिए आए हैं कि कितने परसेंट वोट किसको जाते हैं और यहाँ की आवाम क्या चाहती है, किसको जिताना चाहती है, कौन आवाम का चहिता है अब की बार। आइए मालूम करते हैं यहाँ के कारोबारियों से और यहाँ की आम आवाम से। बिल्कुल आपके हिसाब से, आपके हिसाब से कहाँ से आप? कर्नूल से। आप यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्शन का माहौल है, क्या लगता है आपको यहाँ के हिसाब से कौन सी पार्टी आएगी? क्या मुसाफ क्या है आपके कारोबार के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आएगी? अब तक आपको कौन सी पार्टी सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल पक्की बात, दूसरा कोई नहीं। क्या हजरा क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी है? हाँ भाई, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी यहाँ पर जो है ना आपके जीतेंगे चारमीनार हलके में? यहाँ तो MI नहीं जीते जी। बिल्कुल पक्की बात, कोई दूसरी पार्टी कितने परसेंट वोट लाएंगी MIM आपके हिसाब से? दूसरे कायद भी यहाँ पर डरे हुए हैं, BJP से है या कांग्रेस से है, कर रहे हैं ना काम जी। आप लोग जो है ना मजलिस के अंडर में आप अभी तक भी जहाँ पर है तो कारोबार में उसमें आपको क्या सहूलत है यहाँ पर? मजलिस वाला सपोर्ट कर इसलिए करा था, मजलिस के पास जा रहा है, दूसरी बात करें तो कोई परेशानता नहीं। अच्छा, जो भी है आपके हिसाब से तो चारमीनार में अभी दूसरे भी पार्टियों की लहर चल रही है, आपके हिसाब से कौन? MIM जी, कांग्रेस हिसाब नंबर वन। कितने परसेंट आपके हिसाब से होता है? 100% 100% पक्की बात? पक्की बात। चलिए आपके हिसाब से कौन सी पार्टी की लहर है चारमीनार पे? अभी तो दूसरी पार्टियां भी चल रही है, बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आएगी और कितने परसेंट वोट मिलेंगे? परसेंट वोट के बारे में तो नहीं बोल सकते साहब, लेकिन पार्टी जो है यहाँ पर हमारे पास पुराने शहर में MIM साहब नंबर वन हमारे हिसाब से, और हमारा जो है आप लोग क्या इस्तेफादा उठाए हैं अब तक चारमीनार से, और आप लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं तो आप लोगों को कितना सुकून मिलता है इस पार्टी के हुदूद में? उनकी बात ये है कि हम जो है हमारे जो रहबर है हम किसी को हमेशा चाहते हैं, उस हिसाब से जो है सुकून की बात अलग है, ये आप जो बोल रहे हैं हम जिसको चाहते हैं दिल से वो हमारे लिए MIM है, और MIM के हट के हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं है। और अब कितने पार्टी से आएंगे जो बात कर रहे हैं वो तो क्लियर होने के बाद। आप चाहने की वजह पार्टी? पार्टी चाहने की वजह है कि हमारे भाई है, बड़े हमारे बड़े भाई है, उनके लिए जाना तो बहुत बड़ी जान दी जान के। बड़े भाई आपके लिए क्या क्या किया अब तक? बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा या बुरा आया तो हमारे लिए आगे गाड़ी मिली ना तुम्हारी, बहुत सारे हैं हमारे उसके लिए कुछ अच्छा या बुरा बुरा टाइम आया तो कभी भी। आप लोगों का इस इलेक्शन के बारे में, आप लोगों का इस इलेक्शन में नारा क्या है? आवाम के या चारमीनार के अतराफ की आवाम का तो कहना है मजलिस, इस हिसाब से 95-96% चारमीनार हलके में मजलिस को उठा सकते हैं। देखते हैं दूसरी पार्टियों का दूसरे इलाके।